पीसीसी सड़क कार्य बाधित ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। पूर्णिया जिले के बाईसी अनुमंडल क्षेत्र के बंगामा पंचायत पोखरिया गांव में आज 1000 से अधिक लोगों का आवागमन बंद हो गया है। ग्रामीणों द्वारा मिली जानकारी से ये पता चला है कि पूर्व समिति मोहम्मद रहमान का रास्ता जमीन में पड़ता है और वह ग्रामीणों के लिए रास्ते में अपना जमीन देना नहीं चाहते। इतना ही नहीं, समिति मोहम्मद रहमान ने लोगों से चुनाव के समय में वादा भी किया था कि चुनाव जीतने के बाद रास्ते के लिए जमीन देंगे। ग्रामीणों ने मिलकर वोट दिया, लेकिन पूर्व समिति रहमान चुनाव हार गए और वह अपने वादे से भी मुकर गए, जबकि सड़क मनरेगा फंड से पास हो गई है, पीसीसी सड़क बनाना है। इतना ही नहीं, यहाँ के ग्रामीणों ने चंदा वसूली कर सड़क पर मिट्टी भी डाली, परंतु समिति की वजह से सड़क निर्माण कार्य बाधित है। पूर्व विधायक सैयद रुकनुद्दीन घटनास्थल पर पहुंचकर सड़क का जायजा लिया और जमींदार से मिलकर सड़क का निर्माण कार्य के लिए आश्वासन दिया और ग्रामीणों से कहा कि मैं पूर्व समिति से बात करूंगा और बहुत जल्द सड़क का कार्य चालू करवाने की कोशिश करूंगा। पूर्णिया बाईसी से बालकिशोर की रिपोर्ट, प्राइम मिटी न्यूज। बाहर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। टोटल आप लोग इस कितना लोग इस रास्ता से आना जाना कम से कम नहीं तो 1000-2000 आदमी आना जाना कर रहे हैं इस रास्ते से। आप लोगों का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया गया? हाँ, ब्लॉक कर दिया है बिल्कुल। अगर नहीं देगा रास्ता तो हम लोग का कोई साधन नहीं है जाने का बाहर, मतलब हाईवे पे। कौन सा गाँव आपका? ये पोखरिया का समय छतियान पोखरिया। कौन सा पंचायत हुआ ये? बनगवा पंचायत। क्या समस्या है आप लोगों के साथ में? रोड बनने नहीं दे रहा है, कितने 2-3 हजार लोग हैं, आने जाने का तकलीफ हो रही है, रास्ता बंद कर दिया। रोड बनाना चाहते थे हम लोग तो बनाने नहीं दे रहा है, ना जाने आने दे रहा है, सब अंदर फंसे हुए हैं हम। कौन बनाने नहीं दे रहा है रोड आपको? समिति रहमान समिति है ना जी, हम लोग के बाजू में है, वही नहीं दे रहा है। लड़का लड़की बहुत है शादी, यहाँ कोई भी रिश्तेदार नहीं हो सोचे, और सोचो जो रोड नीचे तो कन्हे जाम जी। हाँ, और बहुत मुश्किल है जाते, हमारा घर द्वार उठे थी, हम सब मट्टी डलवार कोई साधन नहीं थे, हमारा रहवार इतना तकलीफ है, एक तो रोड तकलीफ फिर घोड़े तकलीफ। क्या आपका यहाँ रोड नहीं बना है? नहीं, मट्टी नहीं डाला जाता है, कैसे मट्टी डालेंगे? कोई बाराती आता है तो इतना दूर से लड़का खोला करके डालता है, मतलब पैदल लेके आना पड़ता है, इतना तकलीफ है हम लोग। कितना लोग यहाँ पे आप लोग रहते हैं? 4-5 हजार लोग रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंसार आलम। कौन सा पंचायत भाई? बनगामा पंचायत वार्ड नंबर 5। आप ये बताइए कि आपके साथ क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि ये रोड हम लोगों को उस टाइम यहाँ का जो पहले पूर्व पंचायत समिति उसने हमको ये आश्वासन दिया है कि आप हम लोग को जो है वोट दीजिए, हम लोग को ये रोड पूरा करवा देंगे, तो उसमें थोड़ा सा उनकी ज़मीन है, बाकी सब हम ही लोगों की ज़मीन है, मतलब तो यहाँ से वहाँ तक जो है 500-550 फीट के जो है मतलब रास्ता बन चुका था। हम लोग आपस में पहले सब चंदा इकट्ठा करके अपने पैसे से जो है लेके रोड को मिट्टी उट्टी डलवाया है, फिर बाद में 2017-18 में जो है ये मनरेगा का मिट्टी डाल के जो है ये रेडी किया, आना जाना चालू था, अभी जो मतलब ढलाई का काम शुरू होने वाला है तो अभी वो बाधित कर रहा है जी। कौन बाधित कर रहा है? ये समिति बोल रहा है, मतलब भूतपूर्व सामान समिति जी। आप यहाँ के पूर्व विधायक हैं, आप इस विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? ये मसला 22 प्रखंड अंतर्गत बानगावा पंचायत के छतियन पोखरिया के वार्ड नंबर 5 का है। एक बहुत बड़ी आबादी जिससे लोगों को चौक तक जाने में या मिसिंग लिंक जो रोड है वहां तक जाने के लिए आवागमन की सुविधा नहीं है, क्योंकि यहां के स्थानीय जनता इस मामले को लेकर बहुत आक्रोशित हैं। निरंतर कई बार हम लोगों को खबर मिला कि इस वास्तविकता की जानकारी ली जाए, तो मैंने यहाँ की जानकारी पर जब स्थानीय स्तर पर आया तो वाकई में इन लोगों को बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, आवागमन की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व समिति अब्दुल रहमान साहब जिनकी शुरुआत में प्रारंभ में रोड में कुछ ज़मीन पड़ता है, उन्होंने पूर्व में यहाँ के स्थानीय जनता के श्रमदान से ये रोड बना था, बाद में यहाँ के वार्ड सदस्य ने बताया कि हम लोगों ने मनरेगा से भी कुछ कार्य किया था। तो वस्तु स्थिति यह है कि इस रोड को पीसीसी कराने से पूरे गांवों को आवागमन की सुविधा होगी। हम लोग अब्दुल रहमान साहब पूर्व समिति से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपकी कुछ ज़मीन पड़ती भी है
तो इस जमीन को ग्रामीणों के कष्ट को देखकर स्वयं दे देना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई मामला नहीं है, क्योंकि सरकार की भी नीति है कि लोगों को रास्ता देने के लिए अगर खाती की भी जमीन है तो स्वेच्छा से, जिसमें कोई अनापत्ति के साथ कि मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, मैं स्वेच्छा से ग्रामीणों को आवागमन के लिए यह जगह दे रहा हूँ, ऐसा करना चाहिए। इसलिए हम लोग अब्दुल रहमान साहब जो समिति हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि इस रोड को बनने दिया जाए, और उनको बनाना भी है। हम तो चाहेंगे कि वो अपने नेतृत्व में खड़े होकर इस रोड को बना दें ताकि यहाँ की जनता को सुख सुविधा प्रदान हो।